हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूँ संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल है व्हाट इज नेम राउट एंड हाउ टू यूज इट। बिल्कुल, नेम राउट क्या है हमारे सीआई के फोर्थ वर्जन में, किस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं और फाइनली किस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को देखा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को सीख भी लिया। अब इस वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज नेम राउट। सो सबसे पहले नेम राउट क्या है? तो सिंपल, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन राउट है, हमने उसका कोई एक नेम दे दिया, तो वो हो गई हमारी एक नेम राउट। अब किस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं, अब हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर मैं ओपन करूंगा routes.php। सो सिंपली हमारे पास यहाँ एक फाइल है, दैट इज routes.php। तो ये एक राउट हम देख सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट जब हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था तो हमारे पास अवेलेबल था। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसे सीखने के लिए, हम क्या करते हैं, एक न्यू राउट को क्रिएट करते हैं। सो मैं यूज़ करूँगा राउट्स ऑब्जेक्ट, यूज़ कर लेते हैं गेट मैथड, और यहाँ एक राउट क्रिएट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, दैट इज अबाउट -s। और यहाँ पर हम कॉल करेंगे एक कंट्रोलर, और अगर मैं जाऊँ अपने कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में ताकि हम चेक कर लें हमारे पास कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं, तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं। तो हम यूज़ करेंगे साइट कंट्रोलर, और उसके अंदर हम एक मैथड क्रिएट करेंगे अबाउट अस के नेम से। तो सिंपली हम इस मैथड नेम को कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं साइट कंट्रोलर .php के अंदर, और यहाँ पर हम एक और मैथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक फंक्शन and method name called about us। तो simply अब हम क्या करने वाले हैं, इस method के अंदर एक simple सा message return करने वाले हैं। so echo within S3 tag this is a sample message of about us। सो अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली हमने एक राउट क्रिएट किया अपने इस routes.php फाइल में, एंड फाइनली बाय यूजिंग साइट कंट्रोलर हमने एक मैथड क्रिएट किया अबाउट अस के नेम से, और उसमें हमने एक मैसेज को प्रिंट किया है। तो सिंपली अब हम इसे एक्सिक्यूट करने वाले हैं, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है, चलते हैं ब्राउजर पे, ये हमारा लैंडिंग पेज है। सो आफ्टर लैंडिंग पेज /about-s, तो हम देख पाएंगे दिस इज अ सैम्पल पेज, मीन सैम्पल मैसेज ऑफ अबाउट अस। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम एक यूनिक से कॉन्सेप्ट को सीखने वाले इस वीडियो में, दैट इज नेम राउट। सो यहाँ हम देख पाएंगे हमारे पास एक राउट कॉन्फिगर्ड है। अब यहाँ मान लेते हैं हमारे पास राउट जो ये है, इसे हम इस तरीके से कॉल नहीं करना चाहते। मतलब क्या है, सिंपल अगर हम चलें व्यू फाइल में, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक मैथड डिफाइन है उसके अंदर हम कॉल करने वाले एक व्यू फाइल को, दैट इज phone-submit। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इस व्यू फाइल को सिंपल हम ओपन कर लेते हैं। सो व्यू के अंदर अगर हम ओपन करें ये form.php, सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देते सारे कोड को, और हम कॉल करेंगे इस फॉर्म वाले लेआउट को। अब यहां पर मैं एक एंकर टैग डिफाइन करने वाला हूं, इस एंकर टैग में होने वाला है अबाउट अस का लिंक, सो अबाउट अस, और यहां पुट करने वाले हैं हम HREF टैग, और इसके अंदर अगर मैं इस अबाउट अस के URL को पुट करूं, तो सिंपल हम इसे कॉपी करने वाले हैं about-s, यहां जाएंगे और यहां यूज करेंगे एक हेल्पर फंक्शन, या तो हम यूज कर सकते हैं बेस URL या साइट URL। तो मैं यूज करना चाहूंगा बेस URL, base_URL विद इन सिंगल कोट्स हम पुट करेंगे about-s। अब इस वाले फाइल को कॉल करने के पहले, या कह लें इस मैथड को कॉल करने के पहले, हमें एक राउट को क्रिएट करना होगा। सो routes ऑब्जेक्ट गेट मैथड हम कॉल करेंगे फॉर्म राउट, और उसके बाद हम जाएंगे अपने साइट कंट्रोलर के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और हमारे पास जो मैथड होने वाला है दैट इज फॉर्म सबमिट। एक और बात, कोई जरूरी नहीं है कि हर राउट के आगे हम /s ऐड करें, हम इसे नहीं भी कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम सेव कर दें, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ फॉर्म
तो हम देख पाएंगे अबाउट अस, तो ये एक लिंक है क्योंकि ये जो हमने टेक्स्ट पास किया है अबाउट अस विद इन एंकर टैग, अब हम इनसे इंस्पेक्ट करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास एंकर टैग है जिसके HREF में, जिसके लिंक में हमारे पास अबाउट अस का लिंक है। तो नेम राउट कॉन्सेप्ट का मतलब है फ्रेंड्स कि इस राउट को, जैसे कि हमने यहाँ अबाउट अस को कॉल किया है, अबाउट अस को कॉल करने के लिए मैं इस नेम को यूज़ नहीं करना चाहता, इंस्टेड कि हमारे पास कुछ दूसरा नेम हो, जैसे कि कोई यूज़र डिफाइंड नेम हो, हम किस तरीके से उस यूज़र डिफाइंड नेम को अपने राउट के साथ अटैच करें, इस यूज़र डिफाइंड नेम को कहते हैं नेम्ड राउट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, चलते हैं राउट सॉर्ट PHP में। अब हम इस राउट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम राउट, तो यहीं पे इस गेट मेथड के अंदर इस थर्ड पैरामीटर में हम पास करेंगे एक एरे और इसके अंदर हम पास करेंगे एज कीवर्ड और यहाँ फ्रेंड्स एरो ऑपरेटर और यहाँ पास करने वाले हैं वो नेम राउट। तो मान लेते हैं इसका जो राउट होगा दैट इज माई हाइफन राउट। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक यूजर डिफाइंड राउट नेम है जो हमने इस राउट को दिया है, तो अगर हम इसे कॉल करें माई राउट तो ऑटोमेटिकली ये इसे ही कॉल करेगा। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं माई हाइफन राउट, कॉपी करने के बाद चलते हैं form.php में और यहाँ पर चेंज करने से पहले अगर हम रीलोड करके इसे क्लिक कर लें एक बार तो हम देखेंगे अबाउट अस पेज। तो सिंपली वापस से जाएंगे अपने फॉर्म लेआउट पे और इस बार हम यूज़ करने वाले हैं अपने नेम राउट को, तो यहाँ से हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अगर हम इसे सिंपली पुट कर दें माई हाइफन राउट, अगर हम रीलोड करें तो क्लिक करें तो हमारे पास एक एरर है दैट इज़ 404, क्योंकि इस बार ये राउट नहीं ये नेम राउट है। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो उसे यूज़ करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, सिंगल कोट्स को रिमूव करेंगे और हम कॉल करेंगे राउट _2। ये भी एक हेल्पर फंक्शन है सिंपल, इसके पैरेंथेसिस में हम यूज़ करेंगे सिंगल कोट और पुट करेंगे नेम राउट। तो सिंपली सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पर अगर मैं रीलोड करूँ फॉर्म इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे लोकल होस्ट एंड अबाउट अस। तो कहने का मतलब है ये जो हेल्पर फंक्शन हमने यूज़ किया है ऑटोमेटिकली इस नेम राउट को इसने कन्वर्ट कर दिया है एक राउट वाले फॉर्मेट में जो कि हमें यहाँ से गेट हुई है। तो सिंपली अगर हम चाहें रीलोड करें क्लिक करें तो वी हैव आवर अबाउट अस मैसेज। सो ये थी बेसिकली फ्रेंड्स हमारा वो कॉन्सेप्ट दैट इज नेम राउट। अगर हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लें दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस URL एंड साइट URL, तो यहाँ आप देख पाओगे अगर मैं जाऊँ फॉर्म लेआउट पे तो यहाँ देख पाओगे इस URL में हमारे पास लोकल होस्ट 8080, कहने का मतलब है ये हमारा प्रोजेक्ट URL है एंड / आवर राउट URL। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं यूज करूँ बेस URL के प्लेस पे साइट URL, सेव करूँ, सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे URL में एक और एक वर्ड है दैट इज index.php। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि बेस URL में हमारे पास ये जो index.php जो URL में है ये अवेलेबल नहीं होती है, बट अगर हम यूज करें साइट URL तो हमारे URL में एक न्यू पैरामीटर होगा दैट इज index.php। सो इनसाइड URL इफ वी हैव index.php इट मींस वी आर यूजिंग साइट URL, बट अगर हमारे URL में index.php नहीं है इसका मतलब वी आर यूजिंग बेस URL हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने तीन फंक्शंस के बारे में देखा, ऑल अबाउट बेस URL, साइट URL एंड राउट टू हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट हमने देखा अपने इस वीडियो में दैट इज ऑल अबाउट नेम राउट, अब हम क्या करने वाले हैं फाइनली एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर बूस्ट अप। तो सिंपली हम जाएंगे routes.php, एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यूज करूंगा राउट ऑब्जेक्ट गेट मैथड। और एक और बात यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमने यूज किया है गेट मैथड के साथ ये नेम राउट के कॉन्सेप्ट को, बट इन केस आपके पास अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड है, पुट और पैच मैथड है या डिलीट मैथड है, तो कहने का मतलब है ये जो नेम राउट का कॉन्सेप्ट है इसे आप किसी भी HTTP वर्ब के साथ यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट ओनली फॉर गेट रिक्वेस्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को, इस एस कीवर्ड को, इस राउट के एक नेम वाले कॉन्सेप्ट को दैट इज नेम राउट, आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी वर्ब के साथ यूज कर सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इस गेट मैथड के अंदर हम पास करेंगे कॉन्टैक्ट -us, इसके बाद हम चलेंगे अपने साइट कंट्रोलर में एक और मैथड को हम डिफाइन करेंगे दैट इज
कॉन्टैक्ट अस मैथड, तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर होने वाला है पब्लिक फंक्शन एंड मैथड नेम, और यहीं पे मैं पास करने वाला हूँ इको विद एन S3 टैग, और यहाँ होने वाला है कॉन्टैक्ट अस पेज मैसेज। तो सिंपल, अगर हमें इस मेथड को कॉल करना है तो हमें कॉल करना होगा इस URL को, बट इस URL के नेम को हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल हम इस थर्ड पैरामीटर में एक एरे डिफाइन करेंगे, एस कीवर्ड देंगे, एरो ऑपरेटर, और यहाँ पर होगा यूजर डिफाइन नेम। तो मान लेते हैं जो यूजर डिफाइन नेम है दैट इज user-contact, तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे, अपने किसी व्यू फाइल में जाएंगे जहाँ हम उसे यूज करना चाहते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, एक एंकर टैग डिफाइन करना है। इस एंकर टैग के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे उसके टेक्स्ट लेबल को दैट इज कॉन्टैक्टर्स, उसके बाद हमें URL को हिट करना है तो हम कॉल करेंगे बेस URL फंक्शन, और इसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नेम राउट पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं राउट टू मैथड मीन सॉरी फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे वो नेम राउट। तो सिंपल अगर हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्टर्स है, अगर हम इंस्पेक्ट करें तो हम देख पाएंगे कॉन्टैक्टर्स राउट। तो सिंपली अगर हम क्लिक करें तो हम देख पाएंगे अपने उस मैसेज को। तो सिंपली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा अपने नेम राउट के कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि नेम राउट क्या है, तो अ नेम गिवन टू अ राउट इज नोन एज नेम राउट, और सिंपली हम कैसे यूज करते हैं, तो इसे सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड पैरामीटर ऑफ एनी HTTP वर्क मैथड यूजिंग एज कीवर्ड, एंड फाइनली उसे हम कॉल करेंगे यूजिंग अ हेल्पर फंक्शन दैट इज राउट _2। तो फाइनली इस वीडियो का जो हमारा कंसर्न था ऑल अबाउट नेम राउट, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं, वो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था, सो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।